ये बहनों, आज हम सभी भैया में कक्षा प्रथम नैतिक शिक्षा के अंतर्गत मेरा घर के विषय में जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। घर हम सभी के लिए आवश्यक है। इसी तरह जैसे हम लोग घर में रहते हैं, उसी तरह हमने देखा है बहुत से पक्षी हैं और बहुत से जंतु हैं जो भी अपने अपने घरों का निर्माण करते हैं। इसी तरह घर हमारी बहुत सी आवश्यकताओं को पूर्ति करते हैं। जैसे जब अधिक वर्षा होती है तो हम वर्षा से बचने के लिए घर में आश्रय लेते हैं। अधिक सर्दी होती है तब भी हम सर्दी से बचने के लिए घर में आश्रय लेते हैं। विश्राम की आवश्यकता पड़ती है वो भी अपने घर में आश्रय लेते हैं। अगर किसी शत्रु से भी रक्षा करनी है तो अपने घर में आश्रय लेते हैं। तो हमें घर की हमारी आवश्यकता बहुत जरूरी है। इसी तरह अब घर के कई भाग हो सकते हैं। जैसे हमारा घर के अंतर्गत ही एक स्थान पर पूजा गृह बना सकते हैं। अब पूजा गृह भी हमारी एक संस्कृति से जुड़ा है। हम सर्वप्रथम अपनी दैनिक क्रियाओं से निवृत्त होकर अपने घर के जो सदस्य हैं उनके साथ मिलकर के तो अपने इष्ट जो है किसी देवता की मूर्ति रख करके उनकी आराधना करते हैं, उनका पूजन करते हैं और आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। इसके पश्चात बराबर से हमारे घर के अंदर एक रसोई घर भी होता है जिसमें हमारी माँ है या कोई और बड़ी बहन है वो हमारे लिए भोजन समस्त परिवार के लिए भोजन का निर्माण करती है। उसकी रसोई घर की स्वच्छता बनी रहे इसलिए उसको हम स्वच्छ रखते हैं और अपने जो जूते चप्पल भी हैं तो कभी रसोई के अंदर नहीं ले जाते हैं। इसके पश्चात देखते हैं कि हमारा एक अध्ययन कक्ष है जहाँ हम बैठ करके शाम रूप से अपना अध्ययन करते हैं। विश्राम कक्ष भी है इसमें, एक वो हम शयन कक्ष भी कहते हैं। तो उसमें जब हमारे सायंकालीन समय होता है तो हम उसमें अपने विश्राम करते हैं। इसी तरह ये सारे अंग मिला करके जैसे रसोई घर, पूजा घर, अतिथि कक्ष, ये सारे भाग मिलकर के हमारे घर का निर्माण हो, इसलिए उसकी स्वच्छता बनाए रहे तो अच्छा भी है। इसी के अंतर्गत आज हम कुछ गृह कार्य, इसी पाठ से संबंधित गृह कार्य उसको हम देखेंगे और उसको बुक में भेजेंगे।